हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना सारस्वती। कैसे हैं आप लोग? तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी तैयारी हो रही है मथुरा वापस जाने की। हमारा सारा सामान पैक हो गया है, अमलेश का सारा सामान पैक हो गया है और हम आज निकलने वाले हैं इलाहाबाद से मथुरा के लिए। और अमलेश मुझे मथुरा ड्रॉप करके दिल्ली जाएंगे, वहाँ से उनको जाना है अपना जो भी कुछ काम है उनका अपना, एक लंबे टाइम के लिए वो वहाँ जाएंगे। हम लोग यहाँ मथुरा रहेंगे थोड़े दिन, फिर दिल्ली जाएंगे हम वापस और अपना ऑफिस वगैरह ज्वाइन करेंगे। बट उसमें हमारे दिल्ली जाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं 8 महीने बाद मथुरा जा रही हूँ और जब से मेरी जॉब लगी मैं कभी मथुरा कंटिन्यू रही नहीं हूँ, तब मुझे रहने को मिलेगा। और ये देखिए जेपी ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना। कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है पर ये जो रोड बनी है ना, हाँ, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की जीन निकाला था प्रोजेक्ट ना सारा का सारा। हाँ। चाय बात करो। तो गाइज हम निकल आए थे और ऐसे गाड़ी में बात करते हुए जा रहे थे ये जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उसके बारे में। और फिर ये अंशु को चाय पीनी थी तो चाय वाले भैया थे, थोड़ा हम रुक गए थे यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। यहाँ ये चाय ली, काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी तो बस वही चाय पी। गाइज दैट्स मी, ये दुपट्टा मैंने डाल रखा है। मैं अपना लुक तो दिखा दूँ पूरा, ऐसे रास्ते में कंफर्टेबल होके ट्रैवल करना चाहिए, स्लीपर्स टी शर्ट लोअर इजी रहता है। गाइज हम यहाँ लखनऊ एक्सप्रेस वे पे फोटो सेशन हो रहा था, ये लोग को फोटो क्लिक करवानी थी और मैं इन लोगों की फोटो क्लिक कर रही थी ये गार्गी के साथ। बस यही चल रहा था इन लोगों को, अंजेश को थोड़ा ऑड लग रहा था कि मैं काफ़ी टाइम बाद गार्गी से मिलूँगा, मैं इसे काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे। है अब लाइफ ऐसी ही है, क्या करें। बट एक्सप्रेस वे पर रात को इस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था, कोई नहीं था, हमको भी थोड़ा इतना मतलब पूरे एकदम गाड़ी चलाते चलाते नहीं रह सकते हैं, थक जाता है इंसान तो थोड़ा बीच में रिलैक्स भी करना पड़ता है। वैसे हमने खाया पिया कहीं कुछ नहीं था और बस ऐसे ही जा रहे थे, बस थोड़ी देर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ही हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया था और वापस हम फिर अपनी गाड़ी में आ गए। और ये हम आ गए हैं कुछ कुछ मथुरा में, एंट्री ले रहे हैं और अंधेरे में ही हम गए थे, अंधेरे में ही हम वापस आ गए। ये हमारी मथुरा नगरी है। अभी देखिए यमुना जी का पुल मैं दिखाऊंगी, हमारे घर आने के लिए यमुना जी का पुल क्रॉस करना पड़ता है। ये है यमुना पुल। अंधेरा था मतलब ऐसे बज रहे होंगे सुबह के 4:30 जब हम ये पहुँचे थे और ये हम हमारी गली में आ गए हैं, सुबह के 6 बज रहे होंगे अराउंड। गाइज हम मथुरा आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 10, हम सुबह आ गए थे 5 बजे। और क्या बोलते हैं, अंग्रेज चले गए हैं, मैं रिकॉर्डिंग के ऑफिस में गए थे, मुझे बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लगा सब कुछ थी। गाइस ये रहे काजू और आज है सोमवती मावस। सोमवती मावस मतलब अमावस भी होगी और सोमवार के दिन होगी तो उसको सोमवती मावस बोला जाता है। मेरी मम्मी ने बचपन से इसके लिए क्या होता है, तुलसा जी की 108 परिक्रमा लगाते हैं। कुछ लोगों को शौक होता है, मेरी मम्मी को शौक है तो अब 108 परिक्रमा वैसे तो आप नहीं कर सकते, ध्यान नहीं रहेगा, तो किसी सामान से लगाई जाती है तो मेरी मम्मी ये काजू से लगा रही हैं। कभी कुछ कभी कुछ टॉफ़ी काजू अलग अलग चीज़ों से मेरी मम्मी लगाती रहती हैं, बट चीज़ें ना रिपीट नहीं करनी चाहिए ऐसा माना जाता है, तो ये मेरी मम्मी लगा रही हैं। मैंने तो स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इतनी जल्दी तो नहीं लग रही थी, मम्मी तो बीच बीच में थक जा रही थी, रुक जा रही थी क्योंकि मम्मी की थोड़ा हाथ पैर में अब दर्द रहता है। तो ये सोमवती मावस की परिक्रमा लगा रही हैं तुलसी माता की, हमने आंगन में रख के साथ में हमने दीपक जला रखा है। और ये जो काजू जो 108 होंगे इसको हम नहीं खा सकते हैं, ये प्रसाद मम्मी बाहर ही बच्चों को देगी, अपने घर में किसी को नहीं देते हैं। ऐसे बाहर एक आंटी ने चॉकलेट से लगाई थी और मुझे वो 5-6 चॉकलेट दे के गई, मैंने कहा सही है मज़ा आ गया मुझे तो,
तो इस तरीके से सुमति मावस हमारे यहाँ मनाई जाती है। हर बार नहीं तो जब जब मंडे को मावस पड़ जाती है तब होती है। मेरी मम्मी ने काफ़ी पहले उठाई थी, अब इसको ना ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, या तो गंगा जी पर जाके मतलब वहाँ छोड़ के आते हैं कि जब इंसान से नहीं लग पा रही होती है तो वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, फिर वो कंटिन्यू नहीं करनी पड़ती है, या फिर हम किसी को दे देते हैं कि हमारी हमने आपको दे दी, फिर हम जिसको दे देंगे वो इस परिक्रमा को अपनी लाइफ में कंटिन्यू करेगा जब तक वो कर सकता है, फिर वो आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरीके से माना जाता है, मतलब हम मथुरा में हैं तो यहाँ पर थोड़ा काफ़ी धर्म कर्म को पूजा पाठ किया जाता है। तो वही है, ये देखिए मेरी मम्मी लगा रही है 108, वो थक थक जा रही थी बीच में, पर यहाँ तो स्पीड फास्ट फॉरवर्ड है, इतना जल्दी नहीं होता है। दीपक जला हुआ है, पानी का लोटा भरा हुआ है, और ये देखिए दीपक मम्मी साइड में कर रही थी उधर, शायद ठीक से वो जल नहीं पा रहा होगा। और मैं बैठ के वीडियो बना रही थी, पापा मैगी खा रहे थे, मैं मैगी खा रही थी, और मम्मी अपनी पूजा कर रही थी। थक थक जाती हैं मम्मी ना, उतना होता नहीं है अब उनसे, और बस परिक्रमा लग रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे ना, मैं काफ़ी टाइम बाद मथुरा में हूँ तो ऑब्वियसली अपने घर इतने टाइम बाद आई हूँ तो अच्छा लगेगा ही ना। मतलब मेरी जब से जॉब लगी मैं तब से अब आई हूँ, देखिए मैगी, और मतलब 4 साल में मैं इतना, मतलब थोड़ा अब लगेगा मैं कंटिन्यू रह पाऊँगी, वो भी मेरी मटर्निटी लीव है इस वजह से रह पाऊँगी, वरना तो कहाँ ही मैं रह पाती। तो ये देखिए आप परिक्रमा मम्मी की, जैसी ही परिक्रमा पूरी हो जाएगी मम्मी आरती करेंगी और इस प्रसाद को बाहर बच्चों में बांट देंगी। ये हमारे आंगन है, आंगन के बाद ये बरामदा दिख रहा होगा और बाहर वो मेन गेट दिख रहा होगा, साइड में वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये परिक्रमा पूरी हो गई, मम्मी थक के बैठ गई। और गाइस ये गार्गी आज 4 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है, तो अब कुछ मैंने इससे पहले से अरेंजमेंट किया हुआ नहीं था यहाँ पर, तो ये कुछ सब्जियाँ थी मैंने वही साथ में रख के और ये फलियों से 4 बना दिया। और गार्गी को येलो ड्रेस पहनाई, ये येलो ड्रेस के चौथे लेके आए थे, और साथ में राधा कृष्ण रख दिए भगवान जी, मथुरा में थोड़ा राधा कृष्ण का रहता है, और कुछ गार्गी के खिलौने। और गार्गी अभी सावन का महीना चल रहा था तो ये येलो ही मैं कुछ काटना चाहती थी, हम येलो घेवर लेके आए थे, येलो गार्गी येलो घेवर, और मैं भी दिखाऊंगी, मैंने भी येलो टी शर्ट पहन रखी है। तो इस तरीके से हमने गार्गी को 4 मंथ सेलिब्रेट किया। ये देखो खूब मस्ती मार रही है, इधर से उधर घूम रही है और बस ऐसे मजे कर रही थी, इसका डायपर दिख रहा था मैं ढक रही थी। ये देखिए कैसे कर रही है, और इसके 4 मंथ कम्प्लीट हो गए हैं। ये सारा कुछ डैडी ने किया था, ऐसे बिछाना इसका, और मतलब अच्छा लग रहा था। और देखिए येलो येलो घेवर ये काटेगी अभी, और भी हमसे गार्गी, देखो हम कहते गार्गी सीधे हो जा, गार्गी सीधे हो जा, नहीं मान रही थी, बेचू गार्गी तो पारा बेबी है, गार्गी पारा बेबी है, गार्गी ले ले, गार्गी गार्गी अच्छा ले शिमला मिर्ची खा ले, खा ले, नहीं दे रही, देख रही है उधर ही। इसके बाद ये डैडी गार्गी से घेवर करवाने के लिए गार्गी को लेके बैठे थे, और गार्गी कहाँ सुनने वाली किसी की, तो साथ में मम्मी आ गई और गार्गी तो अपने हाथ चला ही रही है, और देखो तो डब्बा छीन रही थी, और फिर इन्होंने घेवर काटा, और फिर देखो अभी देखना देखना ये कितने ड्रामे करेगी, चाकू मम्मी ने दूर रखा था, सही नहीं हो, देखो देखो चाट गई है ना, मैंने कह रही सही गार्गी है, देखो इसको टेस्टी लग रहा था, पर मैंने डैडी को बोला ज़्यादा नहीं खिलाना है बिकॉज उसको नुकसान कर सकता है अभी। तो ये देखिए गार्गी फोटो सेशन करवा रही है, और अभी देखना मेरे पास आएगी तो ये रोने लग जाएगी, मतलब करते हैं बच्चे पूरा। देखिए ना मेरे साथ तो फोटो खिंचवाने को राजी नहीं, मैं कहती गार्गी मम्मा के साथ भी खिंचवा लो, बट नहीं, ये देखो कैसे रोने लग गई थी, मैं इसको खिला रही थी गार्गी चुप हो जाए, बट नहीं मान रही थी, बच्चे करते थे। मैंने भी इसका मैचिंग येलो पहना था, और बस मम्मी इसको कह रही थी ला थोड़ा सा खिला देती, मैं कहा नहीं मम्मा नहीं अभी नहीं। तो बस इसी तरीके से हमने गार्गी का 4 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। अजीब लग रहा था बिकॉज अब तक हर बार अनुलेश साथ में थे, इस बार अनुलेश साथ में नहीं थे, बट अभी लाइफ ऐसी है, जॉब है तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। देखिए मैं साथ कुछ फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, बस अब जा दूध दे। गाइस
ये गार्गी गंद गार्गी है ये। अभी इसका हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे 4 मंथ का, तब इसने जीना आराम किया, अब दिल्ली तो आराम कर रही है ये, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फ्रॉक देख रही है। तो गाइज अगर आपको हमारी गार्गी का बर्थडे 4 मंथ का पसंद आया और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और मिलते हैं फिर हम नए व्लॉग में और नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइज, टेक केयर, सी यू सून।